उत्तर प्रदेश के एटा थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बनाते तीन अभियुक्त गणों को दो अवैध तमंचा 12 बोर मय 21 कारतूस जिंदा व तीन खोखा कारतूस व एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 5 कारतूस तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल सहित आईटीआई कॉलेज के पास कासगंज रोड से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त गण लक्की सिंह, किशन पाल, चंद्रमोहन उर्फ चिंटू सभी निवासी गढ़ अलीगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर निम्न अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि तीनों अभियुक्त गढ़ शातिर किस्म के अपराधी हैं जो आसपास के जिलों में रैकी कर व्यापारी व अन्य राहगीरों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देकर वापस अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। जनपद अलीगढ़ में भी कई घटनाओं को चोरी छिपे अंजाम दिया गया है, जिसके संबंध में जनपद अलीगढ़ से जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगढ़ व्यापारिक प्रतिष्ठानों की रैकी कर रहे थे। घटना कारित करने से पूर्व ही तीनों उपरोक्त अभियुक्तगढ़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला ये कल 20 तारीख को थाना कोतवाली देहात की उसी दौरान कास्करी रोड से तीन बदमाश पकड़े गए, जिनके पास से अवैध 315 बोर के तमंचे और कारतूस बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। और ये तीनों अभियुक्त लक्की, राहुल और चंद्रमोहन ये जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ये एक बड़ी घटना करने के फिराक में थे और पुलिस के प्रोएक्टिव कार्य से बड़ी घटना होने से पहुँच गई। इसमें से जो लक्की नाम का अभियुक्त है, इसके विरुद्ध अलीगढ़ में पहले से मुकदमे पंजीकृत हैं। शेष दोनों के संबंध में उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। उनके पास देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।